हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पिछली क्लास के अंदर आज की वीडियो लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट भी करेंगे और पिछले के कुछ होमवर्क में मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी करेंगे। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो होमवर्क हमारा क्या था। होमवर्क कुछ इस तरह था दोस्तों, होमवर्क में सबसे पहले आपको मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर टू कर लिया होगा आपने होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री कर लिया होगा। हाँ, थोड़ा लेंथी है बट आपको स्पीड बढ़ गई होगी। क्वेश्चन नंबर फाइव मैं करा चुका था क्लास वर्क में, ये मैं करा दिया था क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिर मैंने कहा था सर कि इलेवन क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, पर इलेवन क्वेश्चन उससे दो डबल है, वहां पर एक्स ऑन वाई निकालना है, यहाँ पर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों निकालने हैं, सेम क्वेश्चन है। तो मैं 11 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो का, पहला क्वेश्चन 11th रहेगा, उसके बाद हम जाकर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में, इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ दोस्तों क्या है 11th क्वेश्चन। आपने कर लिया होगा, अगर आपने कर लिया तो आप आंसर मैच कर सकते हैं अपना मेरे साथ। यहां मैंने इसका आपको इंटरप्रेट भी करके बताया था, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, मुझे पता था कर लोगे आप। कह रहा एस्टिमेट करो, एस्टिमेट करो दोस्तों द सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 100 लाख। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर 100 लाख है तो सेल एस्टिमेट करो। दूसरा बी पे कह रहा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करो अगर सेल 47 करोड़ की है। तो अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को वाई मान लिया और सेल को एक्स मान लिया, तो अगर सेल 47 करोड़ की हुई तो एडवर्टाइजमेंट कितने लाख की होगी ये आपको बताना है, और अगर एडवर्टाइजमेंट 100 लाख की हुई तो सेल कितने की होगी ये आपको बताना है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ए, पहले ए पार्ट करते हैं। पहले तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे सेल और लिख देता हूं इन करोड़, करोड़ में करेंगे, जब लास्ट में आंसर आएगा ना उसको बोल देंगे इन करोड़ बस। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इन लाख, ये लाख में था। अच्छा, सेल को मैं एक्स मान लेता हूं, एडवर्टाइजमेंट को वाई मान लेते हैं, तो मुझे दोनों निकालने हैं एक्स वाई और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मुझे दोनों निकालने हैं ना एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो मुझे निकाल दे तो अब तो मुझे दिक्कत ही नहीं, एक्स स्क्वायर भी पता लगाना है और वाई स्क्वायर भी पता लगाना है और एक्स वाई भी पता लगाना है। लो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, चलो तो आपके पास सबसे पहले लिख लेते हैं 14, 16, 18, 20, 24। मैं अपने फोन में खोल रखा है, आप भी खोलिए अपनी बुक खोलिए। सेल आपके पास है 14, 16, 18, 20, 24, 30 और 32। दोस्तों ये आपके पास गिवन है और सेल एडवर्टाइजमेंट आपके पास जो गिवन है वो 52। सर ये 14 क्या है, करोड़ में है, ठीक है मैंने ऊपर लिख दिया इन करोड़, और एडवर्टाइजमेंट किस में है ये लाख में है, तो मैंने लिख दिया नीचे 52 लाख, तो लाख नहीं लिखा, लाख ऊपर लिख दिया 62। आंसर जो एंड में आएगा उसमें लाख लाख लिख दूंगा, जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन करके दिखाया था आपको पीछे 70, 76, 80, 78। यहां मैं टोटल कर दूंगा तो n मेरे पास कितना हो गया, n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n मेरा 7 है। अब पहले तो मैं ये निकाल देता हूं जो जो मुझे चाहिए, तो मैंने x स्क्वायर का निकाला तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14। सर आप करोड़ मत लिखना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, ठीक है ऐसा कोई तरीका नहीं होता करने का। ये 196, तो 196 क्या होगा, करोड़ होगा ऑब्वियस सी बात है। अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 256, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 324, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900 और 32 मल्टीप्लाई बाय 32 1024। ठीक है सर, इसके बाद वाई स्क्वायर भी कर लेते हैं, 52 मल्टीप्लाई बाय 52 यह है 2704, 62 मल्टीप्लाई बाय 62 3844,
65 मल्टीप्लाई बाय 65 4225, 70 मल्टीप्लाई बाय 70 4900, 76 मल्टीप्लाई बाय 76 5776, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 6400, 78 मल्टीप्लाई बाय 78 6084। एक्स और वाई को कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 52 728, 16 मल्टीप्लाई बाय 62 992, 18 मल्टीप्लाई बाय 65 1170, 20 मल्टीप्लाई बाय 70 1400, 24 मल्टीप्लाई बाय 76 1824। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप मुझे जरूर बताएं। ये आपके पास 2400 आ गया, 32 मल्टीप्लाई बाय 78 2496। अब टोटल कर देंगे सबका। ये लो दोस्तों, मैंने आपके पास टोटल कर दिया है इसका, और सारे टोटल मैं कर चुका हूं, आप अपने टोटल चेक कर लीजिए। अगर आपका गलती है तो आप एक बार दोबारा ठीक कर लीजिए, अगर गलती नहीं है तो ये समझ लेना आपने बिल्कुल ठीक एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद अगर कहीं ऐसा लगता है कि मेरी गलती हो रही है तो इसको इग्नोर कर देना, समझ लेना कि वही है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझना, आंसर को मत, ठीक है। तो हम बात करेंगे, वैसे गलती नहीं है, मैंने दो बार चेक करा है, गलती नहीं है वैसे। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूं, एक्स ऑन वाई निकालूं, एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई का मतलब क्या होगा, एक्स ऑन वाई का मतलब क्या होगा, मैं एक्स निकालूं जब वाई मुझे गिवन होगा, और वाई क्या एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 16 गिवन होगा, और एक्स निकालूं, ठीक है। तो पहला पार्ट में कर रहा हूं अभी, ए पार्ट, गिवन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, लो भाई एक्स ऑन वाई निकालते जल्दी से, क्या कह देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, पहली इक्वेशन, दूसरी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी वाई, बी सिग्मा वाई, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एन, एन नहीं आता, ए सिग्मा एक्स, अच्छा वाई से मल्टीप्लाई करा है, वाई आएगा, वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, थर्ड टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स मुझे गिवन है दोस्तों 154, एन मुझे गिवन है 7 ए, और बी वाई मुझे गिवन, सिग्मा वाई गिवन है 483 बी। इसको हम बोल देंगे फोर्थ इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन थर्ड, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 11010, ए एज इट इज, सिग्मा एक्स कितना है 154, सिग्मा वाई 483, 483 ए प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 33,933। लो भाई ये बनी इक्वेशन नंबर टू, सॉरी इक्वेशन नंबर फाइव। सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेशन को सोल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7a प्लस 483b इक्वल टू 154। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन है 483a प्लस 33,933b इक्वल टू 11010। अब आप चेक करते हैं कि 483 की टेबल में, 483 की टेबल में 7 आता है, हाँ 69 पर, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 69 को, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। जब मैं 7 को 69 से मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों, तो 483 आ जाएगा, तो 7
69 7 4 83 A। ठीक है दोस्तों, कैसे निकाला? मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को देखा, इन दोनों को देखा, मैंने कहा 483 के टेबल में क्या 7 आता है? हमने कहा आता है 69 पर। अगर 7 को 69 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या जाएगा 483, तो मैंने देख लिया कि 7। ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, 483 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन से, मान लो यहाँ इक्वेशन 483 से और यहाँ इक्वेशन 7 से, फिर भी बराबर आ जाएगा, पर उससे इतना फायदेमंद थोड़ा ना, वो बड़ा हो जाएगा। फिर पहले हम देख लिया कोई कॉमन पार्ट आ रहा है तो हमने उससे निकाल दिया। आगे 483 मल्टीप्लाई बाय 69 दैट इज 33,327 बी इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 69 10,626 और हो गया 483 ए प्लस 33,933 बी इज इक्वल टू 11,010 माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं, देखो 33,327 बी माइनस 33,933 बी इधर 10,626 माइनस 11,010। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं दोस्तों, पिछली दो क्लास में मैं आपको बहुत ऐसे समझा चुका हूं। ये आ गया माइनस 606 बी और 10,626 माइनस 11,010 ये आ गया 384 माइनस का, बी से कैंसिल आउट हो गया तो बी की वैल्यू आ गई 384 डिवाइड बाय 606 ये आपके पास आएगा 0.6336। तो 0.63 बी की वैल्यू आई 0.6336 था तो 6336 को अब 36 को इसको मैंने मिटाया और यहां पर 63 लिख दिया क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया 0.63। अगर आपने राउंड ऑफ नहीं करा, आपने थोड़ा आगे ले गए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, थोड़ा मोड़ा आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे होगा बस ज्यादा से ज्यादा। अब बी की वैल्यू पुट करते हैं कहां पर, फोर्थ इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर। फोर इक्वेशन बता दो क्या थी, फोर इक्वेशन थी 7A 483B 154 भाई 7A इधर से A की वैल्यू फाइंड करेंगे 483B B क्या है 0.63 इज इक्वल टू 154 तो 483 मल्टीप्लाई बाय 0.63 तो 7A इज इक्वल टू 304.29 इक्वल टू 154 तो 7A इज इक्वल टू, अच्छा माइनस का था ये नहीं प्लस का था, सही है 154 माइनस 304.29। ठीक है भाई, मैंने इसको क्या कर दिया उधर भेज दिया 304 को तो क्या बचा 7A इज इक्वल टू 150.29 माइनस का बचा क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है और एक वैल्यू निकालने के लिए माइनस 150.29 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो 21.47। आपका जो आंसर आया उसके और मेरे आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मेरा माइनस में आया है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा बहुत होगा क्योंकि पॉइंट आपने क्या पता आगे तक लियो। लो भाई पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इन इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन पुट करेंगे तो पहले क्या निकाल लेते हैं x on y या y on x, x on y तो x on y निकाल लेते, पहली इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 21.47 प्लस b आपके पास क्या निकाला था b 0.63 और y की वैल्यू क्या है, अच्छा y तो अभी निकालेंगे, y तो गिवन होगा तो इसको y लिख दो, ये तो आपकी भाई इक्वेशन बन गई। अब इफ अब आएगा भाई, अगर एडवर्टाइजमेंट 100 लाख की हो, अगर y इफ एडवर्टाइजमेंट जो y है 100 लाख होगी तो
तो भाई x क्या होगा, तो हमने कहा x इज इक्वल टू माइनस 21.47 प्लस 0.63। 100 लैग मत कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं शुरू से ही लैग नहीं लेके चल रहा। तो x इज इक्वल टू माइनस 21.47 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 0.63, दैट इज 63 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 63 में से 21.47 माइनस कर देंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 41.53। और इसको कर देना आप एस के ले लिए, चलो ऐसे लिख दो अभी। अब यहां पर लिखना, इफ एडवर्टाइजमेंट इज 100 लाख देन एस्टिमेट सेल, क्योंकि सेल क्या निकलेगी, एस्टिमेट सेल विल बी 41.53। इतना मत छोड़ना, बस यही मैं कह रहा हूं, 41.53 करोड़ जरूर लिख देना भाई, बस यही मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, बाकी इसमें क्वेश्चन लाइक कुछ है नहीं। करोड़ लिखना जरूरी है, क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि ये करोड़ में चल रहा है दोस्तों। तो यहां पर हमने एक्स और वाई निकाल दिया, मेरी बारी है वाई और एस निकालने की। बी गिवन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगले स्टेप में क्या होगी इक्वेशन, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। अब सिग्मा y है इधर, तो सिग्मा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ a सिग्मा x हो जाएगा प्लस b सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा। लो भाई पहली ये कौन सी, कहां से चली थी, फिफ्थ चले थे, छठा हो गई है, सेवंथ हो गई, ये एट्थ हो गई। taking equation seven को ले लेते हैं, sigma y is equal to n a plus b sigma x। sigma y क्या था, 483, n कितना है 7a plus b कितना है, b तो निकालना है, x ढूंढ लेते हैं, x है 154 आई थी, 483 154 154, तो क्या हो गया, 7a प्लस 154b इज इक्वल टू 483 बन गई एक क्वेश्चन और। ये क्या हो गया, नाइन्थ, क्योंकि एट तक तो ऊपर थी। टेकिंग इक्वेशन एट, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, यही है ना दोस्तों। हाँ जी, सिग्मा एक्स वाई कितना था, सिग्मा एक्स वाई आपके पास 11010 और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 3676। यह 11010 ए, यह 154 प्लस बी, यह 3676, एक्स स्क्वायर है 3676 और ये 154। बस दो सॉल्व कर दो, 154a प्लस 3676b इज इक्वल टू 11110, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए भाई। लो भाई सॉल्विंग इक्वेशन 9 and 10, तो 9 और 10 के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 7a 9 इक्वेशन 7a 154b इज इक्वल टू 483 और यह है 154a प्लस 3676b इज इक्वल टू 11010। अब मैंने 154 को पहले 7 से डिवाइड करा, तो अगर मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैसे निकालता हूँ मैं, मैंने इन दोनों का रिलेशन देखा, मैंने फिर बताया था आपको, पहले 154 को 7 से डिवाइड कर लो, देख लो कितने पार है, 154 डिवाइड बाई 7 तो है 22 पे आया, तो मैंने कहा अगर 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1254 आ जाएगा। ठीक है, अब तो बहुत बार कर लिया, अब तो बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में आपको, तो बस बता दो 22 को मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया 154a प्लस, अब 154 मल्टीप्लाई बाई 22 या 3388p इज इक्वल टू
483 मल्टीप्लाई बाय 22। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, इतना नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ नहीं सोचेंगे सर, हम सिखाने के लिए दोस्तों। अगर आप पूछोगे नहीं हमसे, फ्री माइंड होके पूछो कुछ भी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, तभी तो आगे लेवल पे आप अच्छे से कर पाओगे। 3676b = 11010 माइनस 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 साइन चेंज कर देते हैं, 3388 माइनस 3676 ये आ गया माइनस, वह सॉल्व करते तो इन दोनों को सॉल्व करने पाया माइनस 288b, 1066 माइनस 11010 या माइनस 384, माइनस माइनस आपस में कट गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। बी की वैल्यू निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 384 डिवाइड बाय 288, तो बी इक्वल टू 288 एट करेंगे तो ये आ गया 1.33 आ रहा है, तो 1.33 बहुत है। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन चल रही है, 9 में डाल देते हैं, 9 छोटी है, 9 में है 7a 154b इज इक्वल टू 483, चेक करें 9 में 7a 154b इज इक्वल टू 483, चेक कर लो, ठीक है दोस्तों, 7a प्लस 154b इज इक्वल टू 483 डालो दोस्तों वैल्यू, 7a एज इट इज, 154b, b आपके 1.33 है अभी निकाला, 483, 7a प्लस 154 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 483 माइनस 205 दैट इज 278 डिवाइड बाई 7, 39.71 है, तो ए की वैल्यू 39.71 है, ये ले लेते हैं, चलो 39.71, वैसे मैं करने वाला था 40 बट कोई दिक्कत नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सिक्स्थ में, वो थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ए आपको गिवन है 39.71, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.33 और x आपको निकालना है, तो ये आपकी क्वेश्चन गई 1. दोबारा के लिखे इसको, इसको यही लिख दे 1.33x, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। फिर आगे इफ सेल जो कि हम y माना था, x माना था, सेल को क्या माना था, x, इफ सेल इज, इफ सेल इज 47 करोड़, अगर सेल 47 करोड़ की हुई, ये था ना 47 करोड़, ये देखो इफ सेल 47 करोड़ देन y क्या होगा, और y था एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कितने की होगी, याद है जब मैंने एक चैप्टर स्टार्ट करा था याला, उस चैप्टर में आपको समझाया था सेल और एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल लेकर, और काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर वाकई में जो सर ने आपको एग्जांपल दिया था वही से ही आया है, 47 मल्टीप्लाई 1.33 ये आ गया 62.51। अब सर भले ही 47 करोड़ है पर जो आपके पास वो निकलेगा, क्या निकलेगा, सेल एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, वो लैक्स में निकलेगी, ठीक है दोस्तों, 39.71 को 39.71 प्लस कर देंगे 62.51 से, यह आया 102.22, तो 102.22, तो ये वाई आया। अब मैं यहां पर लिखूंगा एक लाइन देकर, अगर सेल, देयरफॉर इफ सेल इज 47 करोड़, अगर सेल 47 करोड़ होती, अगर सेल आपको 47 करोड़ की चाहिए, देन एस्टीमेट एडवर्टाइजमेंट विल बी, तो एडवर्टाइजमेंट कितने की करानी पड़ेगी, एस्टिमेट एडवर्टाइजमेंट विल बी वाई जो कि आपको दे रखा 102.22, यहां छोड़ोगे या लैक लगाओगे, सर लैक्स लगाएंगे, यही तो समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं,
लैक्स मत भूलना, बस ये मैं चाहता हूँ। लैक्स अगर भूल गया ना तो वो पूरा काट देगा आपका, पूरा आंसर काटेगा, ये बात ध्यान रखना, लैक्स मत भूलना, ठीक है। तो सर 25 मिनट्स हो चुके हैं हमें ये करते करते, क्वेश्चन काफी बड़ा था, मैंने आपको कहा ना ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अब तो बाकी हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। या और क्वेश्चन कराने लायक कुछ है सर? और क्वेश्चन कराने लायक तो कुछ है नहीं, बाकी तो एक बार आप ये वाला क्वेश्चन मैं भूल गया था देना। 13 द फ्लोइंग डाटा शो द ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस एक्स का शो कर रहा है कितने साल सर्विस करी, ईयर ऑफ सर्विस, एंड एवरेज सैलरी पर मंथ वाई का शो रहा है सैलरी पर मंथ विथ रिस्पेक्ट टू 7% एंड कितने हैं 7 वर्किंग इन अ कॉलेज फिट स्ट्रेंथ लाइन डेग्रेशन लाइन इवन आउट ऑफ ऑन एक्स तो मतलब वाई ऑन एक्स पूछ रहे हैं फिट स्ट्रेंथ लाइन डेग्रेशन इवन आउट ऑफ इट ऑन एक्स तो ऑन एक्स पूछ रहा है ऑन एक्स का मतलब क्या हुआ वाई ऑन एक्स ठीक है भाई ये आपको निकालना है एक ही क्वेश्चन बनानी है तो एक्स आपको देगा ईयर अगर एक साल काम करा तो सैलरी पर मंथ के हिसाब से 5000 पर मंथ सैलरी थी देखो 5000 है यहाँ पर कह रहे हैं 1000 तो ये 5000 है 7000 है 7000 8000 6000 4000 3000 सीरियल नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं ये तो एन हो गया सीरियल नंबर से हमें लेने देना नहीं है आओ चलो आज की क्लास भी क्वेश्चन पे लगा देते हैं फिर अगली क्लास में सीखेंगे नया कंसेप्ट क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है तो मुझे टाइम चाहिए उसके लिए और अभी टाइम बचा नहीं है तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक वाई ऑन एक्स ही कर लेते हैं तो एक्स एक साल काम करा 5000 पर मंथ सैलरी अगर 3 साल काम करोगे तो 7000 पर मंथ सैलरी 7 साल काम करोगे तो 7000 पर मंथ सैलरी 6 साल काम करोगे तो 8000 पर मंथ सैलरी 2000 6000 पर मंथ सैलरी तो ये नीचे सैलरी दे रखी है ऊपर एक्स क्या दे रखा है आपको एक्स दे रखा है इयर्स तो सर चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं लास्ट 13 क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं तो एक्स दे रखा है ईयर में एक्स ईयर में दे रखा है और वाई दे रखा है 1000 में ठीक है रुपीज इन 1000 30 लगाने का मतलब होता है 1000 ठीक है फिर क्या निकालेंगे एक्स स्क्वायर निकालू या वाई स्क्वायर निकालू दोस्तों सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर निकालेंगे समझो आप हमें निकालना है वाई ऑन एक्स और जो पीछे होता है वो उसका स्क्वायर होता है ठीक है नहीं तो आप जब फॉर्मूला बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली बदल जाएगा ये लाइन खेच ना वो लिखना छोड़ देना लिखना मत मतलब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यहाँ लिखना मत लाइन खेच देना बस जब आपको पता चल जाए फिर लिख देना क्या दिक्कत आ रही है एक्स स्क्वायर ठीक है तो स्टार्ट करें अब तो लिख लेते हैं भाई सबसे पहले तो क्या क्या है 1376245 बिल्कुल सही और ये कितना है 5000 7000 7000 8000 6000 4000 3000 तो ये 1000 मैंने ऊपर लिख दिया है नीचे ऐसे ही सर अब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 3 3 9 7 7 4 9 6 6 36 2 2 4 4 4 16 5 5 25 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 5 1 5 बस आपको समझ में आना चाहिए पूछ क्या था वाई ऑन एक्स कैसे निकाला मैंने ये देखो फिर द्वारा फिट स्ट्रेंथ लाइन रेगुलेशन मतलब लाइन रेगुलेशन लाइन इवन आउट ऑफ इट्स ऑन एक्स क्या बोल रहा है यहाँ पर ऑन एक्स देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप दोनों निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट हमेशा समझ में आ जाना चाहिए ठीक है तो ऑन एक्स बोल रहा था इस वजह से अच्छा 5 1 7 3 21 बाकी 7 7 49 6 8 48 6 2 12 4 4 16 5 3 50 भाई अब ऐड कर देते हैं 1 3 7 6 2 4 5 ये आ गया 28 ये 28 है 5 7 8 6 4 3 ये आ गया सर 40 1 9 49 36 4 16 25 या आया सर 140 5 21 49 48 12 16 15 या आया 166 ठीक है दोस्तों ठीक है सर अब हमें क्या चाहिए y on x
इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो क्या होगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फिर क्या होगा सिग्मा मल्टीप्लाई करते हैं। पर आपको दोस्तों लिखना है, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं पर आपको लिखना है पूरा, ठीक है। जैसे मैंने तरीका बताया था, ये होगा एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो वाई है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स से, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये ए सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करा, देखो दोस्तों आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक। कैसे पता लगाता हूं, जो पीछे होगा उसका एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे पता लगाया। देते हैं इनको इक्वेशन नंबर नाम, इक्वेशन नंबर वन टू थ्री। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, क्यों सिंपल क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन इसलिए, सिर्फ हमें रेग्रेशन लाइन निकालने, मतलब रेग्रेशन इक्वेशन निकालना और कुछ भी नहीं करना, हमें एस्टिमेट वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि एक्स और वाई के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। तो टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, सॉरी, तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, तो भाई सिग्मा एक्स वाई कितना है 40 और एक्स कितना है 28, तो 47% है और 28b, इसको आप लिख सकते हैं 7a प्लस 28b इज इक्वल टू 40, लिख सकते हैं वैसे। हाँ जी सर, मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझ गया, अब तो आपको आ गया होगा और आप भी समझ गए होंगे कि यार ये तो समझ में आ गया है, अब तो स्पीड से होना भी चाहिए कि नहीं तो बोरियत फील हो जाएगी आपको। सिग्मा एक्स वाई था इजिकल टू ए सिग्मा एक्स था प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या है, सिग्मा एक्स वाई कितना है, एक्स वाई देखें, एक्स वाई है 166, एक्स स्क्वायर है 140, 166 था ए आपके पास, ये कितना है आपके पास 28 है प्लस 140, एक बार दोबारा चेक करेंगे 166, 140 और 28, बिल्कुल ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, 28 ए हो गया प्लस 140 बी हो गया इक्वल टू 166 हो गया, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन ए और बी की वैल्यू निकालकर पहली वाली क्वेश्चन पुट करना और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन, मैं बताया इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं दोस्तों इस चैप्टर के, इसलिए करा रहा हूं कि आप ना लैंग्वेज को समझ सको कि पूछ कर रहा है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया, मुझे पता तो आप कर भी लोगे, लैंग्वेज समझाना बहुत जरूरी था इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन कराया, और होना भी चाहिए कराना भी चाहिए। सही तरीका लैंग्वेज समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर क्वेश्चन पेपर में आया जो कि आएगा तो आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, मैं चाहता हूं आप लैंग्वेज समझें, ठीक है दोस्तों। अच्छा भाई ठीक है सर, तो क्या क्या इक्वेशन है, 7a प्लस 28b, 7a प्लस 28b इज इक्वल टू 40, और यह क्या है 28a प्लस 140b इक्वल टू 166। ठीक है दोस्तों, अब भाई 7 की टेबल में 28 आता है, तो 7 की टेबल में 28 कब आता है, 4 पे, तो मैं इसको ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बन जाएगा काम, तो 7 4 जा 28a प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 112, बी 4 4 जा 16 120, 28 नीचे तो एज इट इज, नीचे वाले को तो कैसे करेंगे, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140b और 166 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा 112 में से 140 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 28 बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया माइनस 28b, और 160 में से 166 जाएंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा, तो b की वैल्यू हो गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू क्या आ गया 6 अपॉन में 28, तो 6 डिवाइड बाय 28 क्या आ गया 0.214 आ रहा है, तो b की वैल्यू 0.214 है, इसलिए 21 ही रहने देता हूं मैं, ठीक है भाई 214 है, 5 होता तो 22 कर देता, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, किस में डालू, फोर्थ में, फोर्थ इक्वेशन क्या थी देखो, 7a 28b 40,
सेवन ए प्लस 28b इक्वल टू 40। सेवन ए की वैल्यू निकालनी है एज इट इज, 28b, बी आपके पास 0.21 है इक्वल टू 40। अच्छा तो 7a आपके पास एज इट इज रह जाएगा, 28b, 28 मल्टीप्लाई 0.21, 5.88 हो गया इज इक्वल टू 40। 5.88 को 6 लिख देते हैं, नहीं छोड़ो, 7a इज इक्वल टू 40 माइनस 5.88, पॉइंट में रहने दो आप, 40 माइनस 5.88 34.12, तो a की वैल्यू आ गई 34.12 डिवाइडेड बाय 7 को उठाकर नीचे भेज दिया, यहाँ 4.874, तो मैंने लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 4.874 है, तो कोई 5 होता तो चेंज करता, 4 ही है। लो भाई पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y ऑन x, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो बता दो सर y एज इट इज, a आपके पास 4.87 प्लस b आपके पास कितना निकलेगा आएगा 0.21x। लो भाई ये आपके पास इक्वेशन रेग्रेशन लाइन, देयरफॉर लिख दो वैसे सीधे, रेग्रेशन लाइन इज y इक्वल टू 4.87 प्लस 0.21x। अब मुझे x बताएंगे, जब जब मुझे x बनाएंगे मैं y y निकालते जाऊंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर तो कुछ बताया नहीं था कि अगर x इतना होता, अगर इतने ईयर ऑफ सर्विस होती तो बताओ सैलरी कितनी होती, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो हमारा ये आंसर अच्छा रहेगा। तो बताओ दोस्तों आज की क्लास के अंदर भी ये भी क्लियर हो गया, और क्वेश्चन देख ले कोई कि ऐसा क्वेश्चन जो हम कर पाए, अभी तो बस हम नई कॉन्सेप्ट किया, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसमें, जिसमें जिसमें टिक लग गया वो तो कर ही लिया एटलीस्ट। बाकी अभी बहुत कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब पूरे करा दूंगा तब देखना, अभी 4 कॉन्सेप्ट और है, जब 4 कॉन्सेप्ट और खत्म हो जाएंगे तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारा बहुत कुछ हो गया, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया अपना 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए, 5, 6 क्वेश्चन कर लिए, 7, 11 और 13, 8 क्वेश्चन कर लिया हमने। टोटल चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, 15 इधर है और 13 इधर है, 15 और 13 टोटल हो गया 28 क्वेश्चन, 28 में से हमने कितने 8 कर लिए, 20 हो रहते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन बड़े भी है, कुछ ज्यादा बड़े और कुछ क्वेश्चन छोटे भी, जो आपको पता ही है, तो कुछ क्वेश्चन छोटे भी निकलते हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप कर पाओ, नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, दोस्तों अब नहीं है क्वेश्चन करने लायक, अब बिल्कुल नया कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा तभी हो पाएंगे। तो बस आज ही इस क्लास में इतना ही, अगर आपके क्वेश्चन पेंडिंग है तो 100 कंप्लीट कर लीजिए, पेंडिंग नहीं है तो वेरी गुड, नई क्लास के अंदर नए कंसेप्ट चालू करेंगे। और हमारा मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 8 क्वेश्चन करीब हम कर चुके हैं दोनों मिलकर, आप और मैं मिलकर 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी अब रिमेनिंग 20 क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर के जो कंप्लीट करना है, प्लस एमसीक्यू, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स होते नहीं इनमें, एमसीक्यू रहते हैं, तो एमसीक्यू करेंगे, वो तो हर बार करते हैं, तो इस बार भी करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद स्कैनर्स को देखेंगे, स्कैनर्स कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्कैनर करें, फिर नया हम उठाएंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी या कॉम्बिनेशन परमुटेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू, अच्छे से पढ़ते रहो।